प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आज विशेष वुमेन्स डे पर वुमेन्स के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो हमारे पास बुआ के रूप में है, मौसी के रूप में है, माँ के रूप में है, बहन के रूप में है और पत्नी के रूप में है। मेरे अजीज, आज अगर स्त्री नहीं होती तो ये संसार कैसे बढ़ेगा? मेरे अजीज, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री को एक बड़ा बल दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनुष्य को तो, हमें तो, पुरुष को तो मिट्टी से बनाया अपने हाथों से, लेकिन स्त्री को हमारी हड्डी और मांस से बनाया। बहुत स्ट्रांग है और बहुत मजबूत है, और परमेश्वर ने उसको ऐसा बना के लाया, इतनी खूबसूरत बनाया कि आपको कहीं बाहर झांकने की जरूरत नहीं है। आपके पास अच्छी पत्नी दी है तो आप उसका आदर करें, सम्मान करें और इज्जत करें तो आपको भी इज्जत मिलेगी। अवश्य है अपनी माँ की इज्जत करें, बुढ़ापे में उसे कुछ ना जाने। मेरे अजीज, आज जब वुमेंस डे है, एक बार फिर से हर बहन, हर आंटी अपनी माँ को, अपनी चाची को, अपनी बहू को, अपनी बहन को मैं आशीष देता हूँ। इस वुमेंस डे पे बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अपने घर का पालन पोषण करना सीखिए। आज की सुबह, आज मार्च 2021 में आप सबको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि प्रभु की ताड़ना को और उलाना को सहले और मन फिरा लें। प्रभु यीशु मसीह आपको शिरोमणि बनाना चाहता है, वो मुकुट जो स्वर्ग में रखा हुआ आपको देना चाहता है। आज विशेष बात कहना चाहता हूँ उन महिलाओं के लिए, उन स्त्रियों के लिए जो सचमुच परमेश्वर के में चुनी गई हैं और परमेश्वर के आदर्श स्त्रियां हैं, अपने पति का मुकुट है। और लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है? वही जिसने परमेश्वर का भय मानता है उसके मार्ग में चलता है, और उसकी पत्नी उसके लिए सिर का मुकुट का ताज होगी। यदि आप परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, उसके मार्ग में चलते हैं, तो वही पत्नी जो आपको परमेश्वर ने नहीं तो मिल दिए, वो आपका अपने अफेयर में, मैं प्यार करता हूँ, शादी कर लिए, उस आपके हड्डियों पर सड़ों का कारण बन सकती है। अच्छी स्त्री अपने पति के लिए सर का मुकुट होती है। मैं बताना चाहता हूँ, भली पत्नी बिना परिश्रम करे अपनी रोटी भी खाती। अच्छी स्त्री आपके घर में एक अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे दिए हैं, उसका आदर करिए। आज मैं उन सारी पत्नियों के लिए आशीष देता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ जिन्होंने अपने दादी बन गई हैं, नानी बन गई हैं। उन सबको ग्रेट मदर, ग्रेट फादर के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको इस धरती पर चुन कर रखा है, और इसलिए आदम को अकेले रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए परमेश्वर उसके लिए एक हवा बुलाया। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आदम से निकाल के उसने जो स्त्री बनाई उसके पास लेके आया, उसका नाम हवा रखा। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पति पत्नी और पत्नी पति के लिए एक वरदान है, दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और इसीलिए बड़ा अच्छा लिखा हुआ, पत्नी पति के अधीन रहे और पति अपनी पत्नी से अपने अंग के समान प्रेम करें। क्या आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं? आज वो दिन है जो पूरी दुनिया मना रही है, पूरा वर्ल्ड मना रहा है वुमेन्स डे। आज सच में स्त्रियां कंधे से कंधा मिला के चल रही है। उसका एक कारण है कि यीशु मसीह धरती पर आया, क्योंकि स्त्रियों का सम्मान नहीं था, स्त्रियों की कोई गिनती नहीं थी। जब रोटी खिलाई गई थी 5000 पुरुषों को, उनका 5000 पुरुषों ने और स्त्रियों बच्चे भी थे, स्त्रियों की गिनती नहीं थी, क्योंकि पुराने जमाने में स्त्रियों को सम्मान नहीं था। यीशु मसीह 2000 वर्ष पहले आया, उसने कुंवारी मरियम से पैदा होकर स्त्री का सम्मान बढ़ाया। उसके बाद सेकंड प्रचार जो हुआ वो सामरी स्त्री के द्वारा, उसने जाके गांव में कह दिया मुझे मसीहा मिल गया है। मेरे अजीज, आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का पहला प्रचार एक सामरी स्त्री के द्वारा किया गया कि यीशु मसीह उद्धार करता है। तीसरा प्रचार मैं बताना चाहता हूँ कि जो कि पूरा वर्ल्ड के अंदर स्त्रियों ने जाके सबसे पहले यीशु मसीह का दर्शन किया था, जब मारा गया, गाड़ा गया और कब्र पे वो स्त्रियां गई थी, मरियम, मरियम मगदलीनी, और सुगंधित वस्तुएं लेके गई थी तीसरे दिन, और वहां पर यीशु मसीह उनसे मिला। उसने कहा, तुम जिंदे को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? मेरे अजीज, प्रभु यीशु मसीह जी उठा। उसका पहला प्रचार स्त्रियों ने कहा, यीशु जी उठा है। क्या यीशु मसीह जी उठा है आपके हृदय में? तो आप यीशु मसीह का प्रचार करें। बड़ा अच्छा लिखा हुआ है स्त्री के लिए कि जिसने स्त्री ब्याली हो, जिसका मूल्य मूंगों से बढ़कर है। मेरे अजीज, आपने स्त्री को ब्याह लिया जिसका मूल्य मूंगों से बढ़कर है, और उसके मन में आपके प्रति विश्वास है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और बड़ा अच्छा लिखा हुआ जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि इस समय आपको मिलेगा, नीति वचन 31 बाब और उसकी, बहुत जल्दी से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और इस प्रकार से लिखा हुआ है 27 आयत में, वो अपने घराने का चल चलन ध्यान से देखती, अपनी रोटी बिना प्रसन्न तो नहीं खाती। फिर लिखा, उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसके पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करते हैं। भली पत्नी उसी को मिल सकती है जो परमेश्वर का भय मानता है।
और उसकी पत्नी उसको घर को बना देती है। बुद्धिमान स्त्री अपने हाथों से घर को बनाती है, मूर्ख स्त्री अपने हाथों से घर के ढा देती है। आपको एक बुद्धिमान स्त्री मिली है, आपको बच्चे दिए हैं और नाती पोते दिए हैं, मेरे अजीज उस स्त्री का आदर किया जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ का आदर उस क्रूस पे से भी किया और कहा, देखिए तेरा पुत्र और ये तेरी माता। उसने अपनी माँ को इज्जत दी। मेरे अजीज यीशु मसीह ने स्त्री को सम्मान दिया, हर जगह कहा देखो ये वही मेरी माँ, वही मेरे भाई, मेरी बहन, जो मेरे बच्चों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उस पर चलते हैं। मेरे अजीज आज जब वुमेंस डे, मैं एक बार फिर से सारी महान स्त्रियों को जिन्होंने अपने घर को बनाया है, जो अपने बच्चों को अच्छा पालन पोषण करती है, उन सबको आज के दिन मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस वचन में कहना चाहता हूँ, शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी, जो यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। पार्लर जाके 8 घंटे बैठने से कोई फायदा नहीं। मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे अंकल, मेरी माँ, मैं आप स्त्रियों की बात कर रहा हूँ, शोभा तो झूठी है, परंतु जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आज मैं उन स्त्रियों की प्रशंसा करता हूँ जो कलीसिया की एक स्तंभ है, जो घर की एक स्तंभ है, जिनके द्वारा घर चलता है, ड्यूटी भी करती है, काम भी करती है, नौकरी भी करती है। मेरे अजीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, और अपने घर का पालन पोषण भी करती है। मेरे अजीज मैं बताना चाह रहा हूँ आज के इस समय में कि प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे अंकल, मेरे माता जी, मेरी चाची, मेरी बुआ, मैं आप सबको सलूट करता हूँ। और आज भारत देश के अंदर कंधे से कंधा मिला के चलती है स्त्री, उन सबको सलूट करता हूँ कि वो इस तरह से काम करते रहे और भारत देश का नाम ऊंचा करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना में जा रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज बीमार है। प्रभु यीशु मसीह, जो पलंग पे पड़े हैं, नीरो प्रॉब्लम है, कोमा में है, बुखार में है, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, एडमिट है हॉस्पिटल में, आज प्रभु ने सबको चंगा कर। विशेष मैं प्रार्थना करता हूँ वुमेंस डे पर उन सब वुमेंस के लिए जो ड्यूटी पे जाती है, जो घर का पालन पोषण करती है, जो हमारी अजीज हमारी माँ है, इतनी बुजुर्ग माताएं हैं वो सब हमारी माँ है, इतनी जवान स्त्री है वो सब हमारी बहन, और इतनी जवान बेटियाँ वो सब हमारी बेटियाँ हैं। उन सब के लिए मैं आशीष और कल्याण को मांगता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का भय माने, उसके मार्ग में चले, उनको भला होगा। मैं चाहता हूँ कि प्रभु हर स्त्री को आशीष और बुद्धि और अपनी आत्मा से भर, ताकि वो एक भविष्य में दादी नानी दीर्घायु से तृप्त की जाएं और अपने बच्चों का पालन पोषण करें, अपने घर का पालन पोषण करें बड़ी सामर्थ्य भर। विशेष अपने अजीज मिसेस वेलेंसिया हेंडरसन, जो हमारी मदर इन लॉ है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारी अजीज मिसेस जुलियाना पॉल, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस मसी नीलिमा मसीह के लिए। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर जेनिफर के लिए, मिसेस प्रियंका के लिए। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर जूही रूही पॉल के लिए। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर बिक्की पॉल के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सामर्थ अपनी आत्मा से भर। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रीटा के लिए। हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन बहनों के लिए जो विश्वासी बहनें हैं, उन सबको आशीषित कर, ताकि वो अपने घर का, कलीसिया का और भारत देश को उद्धार करा सके। हम सारी जवान स्त्री बुजुर्ग स्त्रियों के लिए आशीष और कल्याण को मांगते हैं। उस वुमेंस डे पर हर एक को आशीष दे और उन सबको मुबारकबाद कहते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।